तो हाय दोस्तों, हमारे यहाँ कलश यात्रा है। आप लोग देख सकते हैं कितना काफ़ी भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लड़कियाँ हैं। और कलश यात्रा हमारे यहाँ जब होने वाला है पौड़ी चौराहा पे। आप लोग कुछ दोस्तों आप देखना चाहते हैं, आप लोग आ सकते हैं। काफ़ी भीड़ है और काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों। जब होगा आज हमारे यहाँ पौड़ी चौराहा पे। शाम से बता कहा थे ना, यहाँ उठा के टाल लग लग रहते नहीं है। ऊपर कल सुबह लेके चल रहे हैं यहाँ गरीब में मटा ना मैं ये दिनों से मैं पकड़ रहा हूँ दिनों से पकड़ रहा हूँ। हाँ जी, हेलो 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 भाई, कहाँ चौराहा पे एकदम मेन गेट चौराहा पे कपूर पीपल एकदम चौराहा पे कौन जी। तो दोस्तों काफ़ी भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं चौराहे पे आ गए हैं लोग, पैकोली चौराहे पे आ चुके हैं ये लोग। रोड के किनारे ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, बहुत लंबा लाइन था दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिएगा। दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय श्री राम। जो भी बताए मैंने कलश उठाई है, जो भी हमारे भक्तगण कलश में सम्मिलित हुए हैं, स्कूल के प्राइमरी स्कूल के प्रसाद वितरण हो रहा है, आप लोग प्रसाद लेकर ही घर जाइएगा। जैसे भगवान श्री राम के लिए इतना मेहनत किए हैं तो प्रसाद लेकर के जाइएगा, बिना प्रसाद लिए कोई घर नहीं जाएगा, अन्यथा कलश उठाने का कोई मतलब कोई फायदा नहीं होगा। श्री श्री सतचंडी महायज्ञ ग्राम सभा पैकनी आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है, करता रहेगा। और जो भी हमारे भक्तगण, जो भी माताएं बहने कलश में सम्मिलित हुई हैं, तो प्राइमरी स्कूल पर प्रसाद वितरण की तैयारी, प्रसाद वितरण हो रहा है, आप लोग प्रसाद लेके उसके बाद घर जाइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।